रिसेंटली ही इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि वे अपने ईरान से किए जाने वाले कच्चे तेल के व्यापार को ख़त्म करने वाला है। ऑफ कोर्स ये डिसीज़न यूएस के द्वारा लगाए जाने वाले सैंक्शंस की वजह से लिया गया है। तो इससे इंडिया और ईरान के रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारा मैटर स्टार्ट कहाँ से हुआ, इससे यूएसए और इंडिया के रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडिया ने यूएस के कितने प्रेशर में आके ये स्टेप उठाया है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और इसी के साथ हम चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो वेलकम टू द स्टडी पावर, आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत के आगे आके प्रॉब्लम क्या थी। तो जो भी वॉशिंगटन ने ईरान से तेल ना खरीदने की वजह से प्रतिबंध लगाए थे उसकी वजह से भारत के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई थी, या तो वह ईरान से अपने तेल के आयात को ख़त्म कर दें या फिर अमेरिका के द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे उसके जोखिमों को उठाएं। तो ये प्रॉब्लम थी भारत के आगे, जिसमें से भारत को किसी एक को चुनना था, या तो वह यूएसए के सैंक्शंस को झेले या फिर ईरान से अपने रिलेशंस को ख़त्म करके या फिर ख़राब करके वह अपने आयात को पूरी तरह से ऑयल के ख़त्म कर दे ईरान के साथ। आगे इसमें और डिटेल में जानने से पहले एक बार देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सैंक्शंस क्यों लगाए थे, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 2015 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उस टाइम पे ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। ये एग्रीमेंट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए किया गया था। इसमें जो P5+ कंट्रीज़ हैं वह हैं चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस एंड यूएसए, और जो +1 कंट्री है वह है जर्मनी। तो आप P5+1 इन कंट्रीज़ का नाम भी याद रख सकते हैं। इसमें यह हुआ था कि जो भी ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जा रहे थे उन सभी को ख़त्म किए जाना था, और जो भी यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे उन्हें वह हटाएगा। यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। लेकिन उसके बाद जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो 2018 में उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई कि वह ईरान के साथ जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है वह इससे बाहर निकल रहे हैं और इस डील को ख़त्म कर रहे हैं, और इसके बाद फिर से ईरान पे जो भी सैंक्शंस थे वह दोबारा इम्पोज कर दिए गए। और इसके बाद जो भी कंट्रीज़ आयात अपना करती हैं ऑयल का ईरान से, उन्हें भी ये कहा गया कि अगर कोई भी कंट्री ईरान से अभी भी ऑयल के व्यापार को अपने चालू रखेगी तो उस पर यूएसए के सैंक्शंस लग जाएंगे और सभी कंट्रीज़ को यूएसए के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना ही मुख्य कारण था कि जो भी ईरान पे प्रतिबंध लगाए गए थे पिछले नवंबर में। लेकिन इसी के साथ यूएसए के द्वारा नवंबर में एक और अनाउंसमेंट की गई थी कि वह 8 कंट्रीज़ को छूट देगा 6 महीने के लिए कि वह ईरान के साथ अपने ऑयल के जो भी आयात हैं उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। उन 8 कंट्रीज़ का नाम था चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इटली, ग्रीस एंड टर्की। इन 8 कंट्रीज़ को छूट दी गई थी कि वे 6 महीने तक अपने व्यापार को कंटिन्यू रख सकते हैं ईरान के साथ, जिसे महत्वपूर्ण कमी अपवाद या सिग्निफिकेंट रिडक्शन एग्जेम्पशन के नाम से जाना जाता है। और अब ये 6 महीने की छूट 2 मई को ख़त्म होने वाली है, यानी कि आज ये छूट ख़त्म हो जाएगी जो कि नवंबर में दी गई थी यूएसए के द्वारा 8 कंट्रीज़ को। ईरान पे ये जो भी सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे हैं वे इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वे जो भी तेल का निर्यात ईरान का है उसे ख़त्म कर सके और सभी विदेशी मामलों से ईरान को अलग थलग फेंक सके। इसका इतना लार्ज स्केल भी पड़ रहा है ईरान के ऊपर कि पिछले महीने अप्रैल में जिसका तेल का निर्यात 2.5 मिलियन बैरल तक हुआ करता था वह मार्च में इसी साल गिरकर 1.3 मिलियन बैरल तक हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर ऑलरेडी ईरान के ऊपर इन सैंक्शंस का फ़र्क पड़ रहा है, और अमेरिका के इस फैसले का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री पर ही पड़ेगा क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंजप्शन करने वाली ऑयल की हमारी कंट्री है, और अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को मुख्य रूप से आयात के माध्यम से ही पूरा किया जाता है हमारी कंट्री में, यानी कि हमारी कंट्री अपनी ऑयल से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट है।
और हमारी कंट्री के द्वारा दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से ही 80% आयात किया जाता है, जिसमें से 11% जो है वह ईरान का योगदान है। तो 2018-19 में हमारी कंट्री ने जो भी ईरान से इम्पोर्ट किया है ऑयल, वह 23.5 मिलियन टन तक किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री जो 11% तक ईरान से ऑयल इम्पोर्ट करती है, तो यूएसए चाहता है कि इसे हम पूरी तरह से ज़ीरो कर दें, यानी कि हम ईरान से अपने ऑयल के व्यापार को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। देखिए, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा ऑयल इराक से ख़रीदा जाता है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया से खरा जाता है और थर्ड नंबर पर आता है ईरान। तो आप देख सकते हैं कि ईरान जो है वह थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारी कंट्री में ऑयल का। तो इतना बड़ा व्यापार किए जाने के बावजूद भी इन सेक्शंस का असर जो पड़ा है वह हमारी कंट्री पे ही सबसे ज़्यादा पड़ा है। हालांकि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो हैं, इनके द्वारा पिछले साल ये तो कहा गया था कि भारत केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करता है, ना कि किसी भी देश द्वारा एक तरफा प्रतिबंध का, यानी कि हमारी कंट्री जो है वे केवल यूएन के सैंक्शंस को ही मानेगी, ना कि यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को। लेकिन रिसेंटली ही हमारी कंट्री के पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर धर्मेश प्रधान जी के द्वारा एक स्टेटमेंट निकल के आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तेल के नुकसान की भरपाई जो होगी वह अन्य मुख्य तेल उत्पादक देशों से अतिरिक्त आपूर्ति करके की जाएगी। यानी कि अब हमारी कंट्री जो है वे ईरान से ऑयल के इंपोर्ट को कट करके जो अदर कंट्री से जहाँ से ऑयल का इंपोर्ट किया जा सकता है वहाँ से अब ऑयल का इंपोर्ट करके हमारी कंट्री में ऑयल की कमी को पूरा किया जाएगा। इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि इसमें जो ऑयल की कमी को पूरा किया जाएगा वह सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और मेक्सिको में उपलब्ध वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यानी कि सऊदी अरेबी, कुवैत, यूएई और मेक्सिको के साथ यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर हम ईरान से अपने ऑयल के इंपोर्ट को कट करते हैं तो हमें इन कंट्रीज से ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि यूएसए के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब ये भी जानते हैं कि हमारी कंट्री ने ऐसा फैसला क्यों लिया, यानी कि भारत ने केवल यूएसए के ही डिसीजंस को क्यों माना, उन्होंने ईरान के अपने डिसीजन के साथ क्यों नहीं रहे। वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर भारत प्रतिबंधों का उल्लंघन करता तो हमारी जो भी भारतीय कंपनियां हैं उन्हें जो यूएसए हैं उनके द्वितीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता, और जिससे हमारी कंट्री में जो डॉलर है उसको भी हम पे यूज़ करने पे सैंक्शंस लगाए जा सकते थे यूएसए के द्वारा, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये भी कहा जाता है कि जब से इंडिया और यूएसए में कॉमकासा एग्रीमेंट को साइन किया गया है तब से हमारी कंट्री जो है वह यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करने में लगी है, यानी कि यूएसए और इंडिया के जो भी बढ़ते रिलेशंस हैं उनकी वजह से ये डिसीज़न भी लिया गया है, ताकि हमें जो भी डॉलर से रिलेटेड या फिर हमारी कंट्रियों को जो भी सैंक्शंस हैं उनका सामना ना करना पड़े। अब जानते हैं कि भारत के द्वारा उठाए गए इन कदमों का भारत और ईरान के संबंधों पर कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो वह भारत के सहयोग से बनाए जाने वाला ईरान में चाबहार बंदर का जो है इस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यह जो चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा है ये हमारी कंट्री से अफगानिस्तान के काबुल को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि हम पाकिस्तान की हेल्प लिए बिना ही यहाँ से इंडियन ओशन से ईरान से कनेक्ट करते हुए भी अफगानिस्तान तक पहुँच सकें, जो कि हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है और पहला इंटरनेशनल पोर्ट है जो कि ईरान से होते हुए जा रहा है। तो हो सकता है कि हमारी कंट्री के द्वारा जो ये चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है ईरान की हेल्प से, उसमें ईरान भी हमारा साथ ना दे, क्योंकि अगर हम उनकी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ईरान भी हो सकता है कि गुस्सा होकर हमारी कंट्री के बारे में ना सोचे और वह भी हमारा इसमें साथ ना दे, जिसकी वजह से भी हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जो ये चाबहार पोर्ट है इसे ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत ही मुख्य पोर्ट है, जिसे ग्वादर के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत भी विकसित किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कनेक्ट करके देखा जा सकता है। ये कहा जाता है कि जैसे इंडिया और ईरान के बीच में ये चाबहार पोर्ट है, ऐसे ही पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये ग्वादर पोर्ट है, जो कि चाइना से लेके पाकिस्तान तक कनेक्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है, जिसमें हमारी कंट्री का पाक ऑक्यूपाइड वाला एरिया को भी शामिल किया जाता है। तो हो सकता है कि इंडिया के द्वारा इन कदमों की वजह से इंडिया और ईरान के रिलेशंस पर भी काफ़ी फ़र्क आए,
तो अब देखते हैं कि इंडिया कैसे यूएसए और ईरान इन दोनों के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करके चलता है, क्योंकि रिसेंटली ही यूएसए के द्वारा भी एक स्टेटमेंट निकल के आई थी कि ये जो भी फैसला निकल के आया है इम्पोर्ट को ख़त्म करने का इंडिया के द्वारा ईरान से, इसका चाबार पोर्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि चाबार पोर्ट इन सेंक्शन से अलग है, लेकिन ईरान भी देखते हैं कि इन सभी मैटर्स को कैसे हासिल करके चलता है और कैसे लेके चलता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।